हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल फैजल हेयर एक्सपर्ट में। और आज हम करने वाले हैं लॉन्ग लेयर्स हेयर कट। मैम की लेंथ है तो मैम ने बोला लेंथ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए और अच्छा सा कट दे दो, तो हमने लॉन्ग लेयर्स दिए। तो ये बैक पे जो बाल होते हैं ना, बैक पे नेक पे नीचे वाले जो वाले बाल लेने हैं और फ्रंट के बाल पकड़ के नाप के चेक कर लेने कि कितने बाल कटने हैं फ्रंट से। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर ऐसे आप नाप लोगे, चेक कर लोगे, तो आप क्लाइंट की लेंथ कम नहीं होगी और आप परफेक्ट कट दे सकते हो। तो मैंने ये नाप लिया है और मैंने अंदाज़ा देख लिया है नाप के कि कितने कटने फ्रंट के, और उसी के अकॉर्डिंग सारा कट हो जाएगा। गाइडलाइन मैंने बना लिए फ्रंट से, तो ये ज़रूर चेक कर लें कि जो मैंने लेयर्स उठाई थी बैक से और फ्रंट वाली, वो तो नाप के देख लें ऊपर सेंटर पर कि कितने कटने हैं। बाकी इसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये फ्रंट से कट कर दिया है फ्रंट पे ले आके, और इसी को मैं इसी गाइडलाइन से सारा कट करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें और लॉन्ग लेयर जब भी कट आए तो आप ऐसे ही करना इस तरीके से, टेक्निक से। ये जावेद की टेक्निक है। ये मैंने सेंटर के बाल उठाए हैं और जो गाइडलाइन बन रही है उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारे बाल ऊपर ले आके काट दिए हैं। अब मैंने सेंटर से डिवाइड कर दिया है और उसी के गाइडलाइन मिल गई है सेंटर वाली, तो साइड वाले भी मैंने अपोजिट खड़े होके मैंने कट कर दिया है, और ऐसे ही दूसरी साइड वाले और मुझे अपोजिट साइड खड़े होके ही कट करना है। तो ये मैंने दोनों सेक्शन कट कर दिए हैं ऊपर ले आकर। इससे जो है वो वॉल्यूम आएगा, लेयर्स आएगी और कट भी परफेक्ट होगा। अब क्या करना है गाइस, अब करना है जैसे मैंने सेंटर से बाल उठा के करे थे ऐसे ही अब सेंटर से ये पार्टीशन लेना है, सेक्शन लेने सेंटर से पार्टीशन लेना और ये हाफ सेक्शन लेकर, और मैं वही ऊपर ले आकर काटने वाला हूँ सेंटर पे। सारे बाल ऊपर ले आकर काटने हैं, जिससे आप ये देखिए मैंने फ्रंट से गाइडलाइन लिए और इसी के अकॉर्डिंग मैं ये चॉप कर दूंगा। गाइडलाइन का ध्यान रखना है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही कट करना है। आप बेफिक्र होकर कट करिएगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने गाइडलाइन ले ली है और इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको चॉप कर दूंगा। अगर आपको लेंथ लग रहा है कि छोटी हो जाएगी, तो ये थोड़े से आगे ले आने हैं आगे की साइड को, फ्रंट की साइड को, और वहाँ से ही ये चॉप कर देना। डरना बिल्कुल नहीं है, कट कर देना है। अगर आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बेफिक्र होकर काट दीजिएगा बाल, और कट भी आपका परफेक्ट होगा। ये देखिए मैंने जो नीचे वाले बाल बचे थे उसको भी मैंने इनके ही साथ ले लिया है। कट बहुत परफेक्ट होने वाला है, आप बेफिक्र होकर कट काटिएगा। और ये देखिए मैंने लेंथ मैम की ये जरा सी जो इन्होंने बोला है एंड से निकालना है वही कट रहे हैं, तो मैम की लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है, जितना बोला है इतने ही कट हो रहे हैं। और कट भी बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपके पास ऐसे अगर कोई क्लाइंट आए कि मेरे बाल छोटे नहीं करने हैं और कट भी अच्छा दे देना है, लेयर्स दे देनी है, तो आपको यही टेक्निक अपनाना है और इसके अकॉर्डिंग ही आप कट करोगे तो बहुत परफेक्ट होगा। अब ये देखिए, अब जो मैंने सेंटर वाले काट लिए हैं, अब साइड वाले काटूँगा। साइड वाले ऐसे ही करने हैं, सेंटर से हाफ ऑफ कर लेना है, गाइडलाइन बना लेनी है। जो सेंटर वाले कट गए हैं अब उनको आधे उस साइड और आधे दूसरी साइड लेकर, और फिर मैं ऐसे ही काटने वाला हूँ। ये देखिए मैंने ऊपर ले आ रहा हूँ हाफ सेक्शन करके, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने अभी पहले काटे थे वैसे ही काटने। थोड़ा सा आगे ले आना है फ्रंट के साइड और काट देने हैं। डरना नहीं है कि लेंथ ज़्यादा कट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे जो है लेयर्स प्रॉपर दिखेंगी और आपका कट भी बहुत अच्छा होने वाला है। जावेद हबीब की टेक्निक है, मैंने जावेद हबीब से ही कोर्स किया हुआ है, तो आपको ये कट पसंद आएगा।
और आप बिल्कुल इजी से कर सकते हैं, बहुत इजी कर सकते हैं और लेंथ भी कम नहीं होगी। ये टेक्निक है लॉन्ग लेयर्स, और ऐसे ही मैंने इस साइड कर दिया है और ऐसे ही दूसरी साइड करूँगा। गाइडलाइन मैंने ले ली है सेंटर वाली, हाफ साइड इधर और हाफ साइड इधर, ऐसे ही मैं उस साइड करने वाला हूँ। गाइस मेरी वीडियो बहुत लेट आती है, बस यही है मेन रीज़न कि बनाने वाला नहीं मिलता और कभी काम ज़्यादा होता है तो बना नहीं पाता, तो इसी वजह से थोड़ी सी वीडियो लेट हो जाती है। बाकी वीडियो में परफेक्ट अच्छी ही बनाता हूँ कट की, तो सपोर्ट करिएगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर फॉलो नहीं सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, तो सपोर्ट करें चैनल को। और ग्रो हो रहा है धीरे धीरे चैनल भी, और आपका सपोर्ट मिलेगा तो ग्रो भी करेगा। ये मैंने सारे बाल ऊपर ले आकर चॉप कर दिए, कट कर दिए। ये देखिए लेयर्स दिख रही हैं, लेयर्स सारी लेयर्स दिख रही हैं। और अब मैं इनको ड्राई करूँगा, ड्राई करने के बाद दिखाऊँगा कि कैसा कट हुआ है फाइनली, और इसका जो बाद में लुक आएगा वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। अब क्या करना है, अब इनको सारे बालों को फ्रंट पे ले आके चेक कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा है चेकिंग करनी है, और जो एक्स्ट्रा है उनको कट कर देना है। सारे बाल जैसे लेजर कट करते हैं वैसे ही फ्रंट पे ले आने हैं सारे बाल, और जो एक्स्ट्रा है वो निकाल देना है। उससे जो फिनिशिंग आएगी कट में अच्छा लगेगा कट, कोई एक्स्ट्रा बाल होगा वो निकल जाएगा, और कट बहुत प्यारा होने वाला है। अगर आपको कोई कट में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकता है, या कोई कमी दिखी हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कमी भी कुछ दिख रही है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मेरी नॉलेज में आएगा और उसको मैं सुधारूंगा। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि वीडियो अच्छी लगी या कट अच्छा लगा। और अगर आपको कोई ये देखिए कितना प्यारा कट है, कितनी अच्छी लेयर्स आ रही हैं इसमें, ये देखिए बहुत प्यारा कट है, बहुत अच्छे। क्लाइंट भी बहुत हैप्पी हुई थी हमारी, उनको पसंद आया ये कट, बहुत प्यारा उनको कट लगा। ये देखिए कितना प्यारा कट लगाया इनका, फ्रंट से भी बहुत अच्छा लग रहा है, और ये हंस रही हैं, हैप्पी हो रही हैं क्लाइंट भी, क्योंकि कट इनको बहुत प्यारा लगा। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा।